हेलो फ्रेंड्स वेलकम है क्लासेस आज है इक्कीस फरवरी और आज हम लोग इक्कीस फरवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे मोटिवेशनल लाइन ये है कि शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में फिर से कितने तीव्रता का भूकंप आया है ऑप्शन नंबर ए है छः दो बी है छः तीन सी है छः एंड चार डी है छः पाँच तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छः तीन कहने का मतलब यह है कि बीस फरवरी दो हज़ार तेईस को सीरियाई सीमा के पास दक्षिणी तुर्की में छः तीन तीव्रता का भूकंप आया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूकंप ने उत्तर में 200 किलोमीटर दूर डेफ ने किया और अदाना शहर को प्रभावित किया है और देखिए इससे पहले 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में सात दशमलव आठ तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि मोबाइल डाउनलोड स्पीड में भारत दस पायदान की छलांग लगाकर कौन से वे स्थान पर पहुंच गया है ऑप्शन नंबर ए अड़सठवें बी उनहत्तरवें सी ए सत्तरवें डी है इकहत्तरवें तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उनहत्तरवें कहने का मतलब ये है कि उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत जनवरी 2023 में 10 स्थानों की सलांग लगाकर दुनिया का उनहत्तरवा सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट प्रदाता बन गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की औसत मोबाइल डाउनलोड गति उनतीस दशमलव तक पहुँच गई है जबकि अपलोड गति इकतीस मिली सेकेंड की विलंबता के साथ छः दशमलव एक छः एम बी पी एस तक पहुँच गई है अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनेगा ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश बी है हरियाणा सी है केरल एंड डी है कर्नाटक तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता जो है वह है चौदह मेगावाट होगी अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस शहर में भारत इराक विदेश कार्यालय परामर्श के दूसरे दौर को आयोजित किया गया है ऑप्शन नंबर ए है कैनबरा बी है पेरिस सी है बगदाद एंड डी है क्यू तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बगदाद कहने का मतलब ये है कि भारत इराक विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर 20 फरवरी 2023 को बगदाद में आयोजित किया गया है इसके अलावा इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बगदाद में नवनिर्मित भारतीय कौंसुलर एप्लीकेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए है बीस फरवरी बी है इक्कीस फरवरी सी है बाईस फरवरी एंड डी है तेईस फरवरी तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इक्कीस फरवरी कहने का मतलब ये है कि यह भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष इक्कीस फरवरी को मनाया जाता है बात करते हैं इसके थीम के बारे में तो फ्रेंड्स इसकी 2023 की थीम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेस्टी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन है तो इसकी थीम क्या थी तो इसकी थीम यही है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेस्टी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन है और अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि किसकी फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए सरकार ने समिति गठित की है ऑप्शन नंबर ए है गेहूं बी है बाजरा सीए धान एंड मक्का तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेहूँ जिसका ईमेल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने बीस मई दो को गेहूँ की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समिति किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने की सलाह जारी करेगा अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव का उनचासवाँ संस्करण शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश बी है बिहार सी है मध्य प्रदेश एंड डी है केरल तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और यहाँ पर इमेज दिया गया है खजुराहो नृत्य महोत्सव का कहने का मतलब ये है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का उनचासवाँ संस्करण 20 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वार्षिक उत्सव का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी और सांस्कृतिक निदेशालय द्वारा पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व संरक्षण के सहयोग से किया जा रहा है अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए अट्ठारह फरवरी बी है उन्नीस फरवरी सी है बीस फरवरी एंड डी है इक्कीस फरवरी तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीस फरवरी कहने का मतलब ये है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष बीस फरवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों को यह विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का हाल ही में निधन हुआ है ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश बी है गुजरात सी बिहार एंड डी है उत्तर प्रदेश तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नरेंद्र मोदी से फुल ले रहे हैं कहने का मतलब ये है कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश कोहली का 20 फरवरी 2023 को निधन हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह 2014 से 2019 तक गुजरात के उन्नीसवें राज्यपाल थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुजरात के राज्यपाल के रूप में अध्य अध्यक्षता करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश और गोवा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का शिलान्यास किया है ऑप्शन नंबर ए है नितिन गडकरी बी है नरेंद्र मोदी सी है अमित शाह एंड डी अखिलेश यादव तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नितिन गडकरी जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 फरवरी 2023 को नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है फ्रेंड्स अगर आप अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच